आज मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी का पराठा। ये है पत्ता गोभी जिसको क्रश कर लेते हैं, और ये है प्याज। प्याज को छोटा छोटा काट के नमक डाल के और दोनों को मिक्स कर देते हैं कि दोनों का पानी निकल जाए। थोड़ा देर रख देंगे सारा पानी निकल जाएगा। फिर कोई कपड़े में डाल के सारा पानी निकाल देते हैं और फिर लगा लेते हैं आटा। ये आटा दही तेल नमक और अजवाइन है इसमें, मिक्सर तो कैमरा ही नहीं ऑन था। इतना सारा सामान, इसको भी आटा गूंथ लेते हैं। और इधर देखिए पानी निकाल लिए हैं, अब इसको अच्छे से फोड़ लेते हैं और इसमें डालते हैं मसाले। अच्छे से फोड़ लेते हैं क्योंकि पानी निकाले पूरा कपड़े में डाल के पानी निकाले थे। अब इसमें काली मिर्च मसाला डालते हैं। काली मिर्च है, ये लाल मिर्च, और इसमें गरम मसाला भी किया था, ये है लहसुन। गरम मसाला भी किया था, ये है चाट मसाला। और सबको मिक्स कर लेते हैं। हरा धनिया भी डाल सकती हैं आप, हमारे पास नहीं था इसलिए नहीं डालने, आप डाल सकते हैं। अब इसको ऐसे बंद कर लेते हैं और ये देखिए पराठा बेल के तवे पे डाल दिए। अब इसको घी तेल जैसे चाहे वैसे आप बटर लगा के जैसे भी चाहे वैसे सेक सकते हैं। और इधर हम बना रहे थे, देखिए घी से हम सेक रहे हैं, और इधर हस्बैंड और बच्चे दोनों खड़े थे। ऐसे ऐसे उतारते सेक सेक के नीचे निकाल रहे थे प्लेट में, अब वो सब लेके जा रहे थे। ये देखिए अभी देखिएगा आप एक पराठा, दोबारा देखिएगा वहाँ होगा ही नहीं पराठा ही। वो दही से खा रहे थे, और हमारे तो आप तो जानते हैं पराठा हम किसे खाते हैं, चाय से। ये देखिए नहीं है, और बहुत टेस्टी बना था ये पत्ता गोभी का पराठा। हमें देखिए एक आधा मिला था, मैं डेढ़ पराठा चाय के साथ, अब बहुत टेस्टी बना था बहुत। एक बार आप लोग भी बना के देखिएगा, आलू भी डाल सकते हैं पत्ता गोभी के साथ, आलू भी डाल सकते हैं, बहुत टेस्ट बना था। एक बार हमारे मेरे तरीके से बना के देखिएगा। फिर आ गया था मेरा पार्सल फ्लिपकार्ट से, ये हम अपने खुद के पैसे से मंगाए थे चूड़ी। ये देखिए कितने डिज़ाइन चूड़ी है, ये मेटल की चूड़ी है, देख लीजिए कितना कलर है। अभी मंगाए थे वेलवेट की, ये है मेटल की, हर कलर की है। जो भी जैसा भी आपका कपड़ा होगा उस कलर में ये मैच हो जाएगी, उस कलर में आप पहन सकते हैं। लाल पीला नीला हरा सारा कलर है इसमें, देखिए मैरून कलर भी है, हरा कलर भी है, सिल्वर है, गोल्डन है, सिल्वर नहीं गोल्डन है। और ये बहुत सुंदर लग रहा था, देखिए कैसे लग रहा है, हाथ में पहन के भी दिखा दिए आप लोग को कितना सुंदर लग रहा था, और मैच करके भी दिखा दिए थे दो चूड़ियों को मैच करके कैसे सेट करके कैसे पहन सकते हैं। अभी दिखाती हूँ, देखिए ये है पिंक कलर ना, पिंक कलर, और ये कौन सा कलर है पता नहीं, फिरोजी कलर इसको कहते हैं शायद। दोनों को मैच करके भी आप ऐसे भी पहन सकती हैं, आपका जैसा मन हो ऐसा सेट करके पहन सकती हैं, बहुत अच्छी और चल जाती है। देख लीजिए कितनी अच्छी लग रही है ना हाथों में, बहुत अच्छी लग रही है। और जिस कलर का आपका कपड़ा हो उस कलर की आप चूड़ियाँ पहन सकती हैं, और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं था इतनी सारी चूड़ियाँ। ये देखिए सारा कलर है, और ये हम अपने खुद के पैसे से मंगाए थे, फ्लिपकार्ट पे सेल चल रही थी तभी मंगाए थे ये। आप लोग भी, और पराठे बहुत अच्छे बने थे, एक बार आप लोग भी इस तरीके से बना के देखिए, बहुत टेस्टी पराठे।